हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्मी किचन में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लौकी की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो इसके बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। और ये मैंने प्याज को बारीक लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, हरी मिर्ची को कट कर लिया है, टमाटर को कट कर लिया है, और साथ ही में जो हमने लौकी ली उस लौकी को भी मैंने कट कर लिया है, एकदम बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस में कट करके रख लिया है और अच्छा सा वॉश भी कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बना सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है, लौकी की सब्ज़ी हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, साथ ही में इसमें जो हमने प्याज को बारीक कट किया था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज, हरी मिर्ची भी इसमें साथ में डाल देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को, दोनों चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो प्याज हमारे एकदम लच्छेदार बन चुके हैं, हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि जो हरी मिर्ची और जो प्याज है वो अच्छे से भुनकर रेडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, कितनी शानदार लग रही है हमारी जो ये आज की लौकी की सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही हेल्दी होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और लौकी जो होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हमारे जो खून में गाढ़ापन होता है उसको भी घटाती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर लौकी को ऐड कर दिया है। लौकी को ऐड करने के बाद में इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे ताकि जो लौकी के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी ड्राई हो जाए और हमारी जो लौकी की सब्ज़ी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। साथ ही में जो मैंने टमाटर को कट किया था वो टमाटर भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ और फिर इसमें इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके आगे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं लौकी टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसमें से आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई ड्राई लग रहे हैं हमारी लौकी एकदम, ये क्योंकि आधे से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है हमारी लौकी, इसके अंदर पानी था भरपूर तो इसे पकने में कोई दिक्कत नहीं आई। अभी इसमें हमने कोई भी मसाले वगैरह नहीं डाले हैं, तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कितनी शानदार लग रही है हमारी जो, साथ में पहले हम डाल दें लाल मिर्ची पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हमने थोड़ा आधा टेबल स्पून और डाला है क्योंकि जो लौकी होती है वो बिल्कुल फीकी होती है और हमें चटपटी सी सब्ज़ी बनानी है, तो इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। और अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून के करीब, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और बढ़िया से इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके की लौकी की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे तो अगर आप जो लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो भी लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मसाले के साथ पूरी लौकी अच्छी से कोट हो चुकी है, बस हमें इतना इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और आप देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का सा पानी भी है क्योंकि लौकी के अंदर भरपूर पानी होता है, साथ में हमने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं तो इससे पूरा अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और इसे पकने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको ग्रेवी वाले बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीब इसमें पानी को ऐड कर देती हूँ ताकि जो लौकी है वो अच्छी सी पक भी जाए और इसमें थोड़ी ग्रेवी भी बन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लहसुन था मैंने उसको कच्ची मिट्टी की कुंडी में थोड़ा दरदरा पीस लिया था, अब इसको भी मैं अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा के इसे हम 5 मिनट तक के लिए पका लेते हैं ताकि जो हमारी लौकी की सब्ज़ी हो बहुत ही शानदार तरीके से बनकर रेडी हो। तो फ्रेंड, देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो देख सकते हैं लौकी की जो सब्ज़ी थी हमारी वो बनकर तैयार हो चुकी है, वह बिल्कुल ग्रेवी के साथ हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और सब्ज़ी को करते हैं अलग बर्तन में सर्व। तो मिलते हैं एक ऐसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी के साथ लक्ष्मीज किचन, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की लौकी की सब्ज़ी आपको ग्रेवी वाली कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, कितनी शानदार हमारी ग्रेवी की सब्ज़ी है, बहुत ही हेल्दी होती है ये सब्ज़ी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक लाइक ज़रूर कीजिए। गार्निश के लिए ऊपर से मैं जो हमारी सूखी मेथी आती है वो डाल रही हूँ, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है,
अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।